तो यार ये न्यूज मैंने इंस्टाग्राम पर 2 या 3 दिन पहले ही बता दिया था कि कुछ तो बड़ा आने वाला है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि पहली बार ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी बिना कोई पिटिशन वगैरह के इंडिया में अपने आप आ रही है। सही सुना आप लोगों ने कि ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी इंडिया में आ रही है, ये पूरी तरीके से कंफर्म है। और ये बार ये मूवी इंडिया के हर कोने कोने में आएगी और इस मूवी को सोनी इंडिया लेके आ रहा है। क्रंची रोल ने राइट शेयर किए हैं सोनी इंडिया को। इजी भाषा में क्रंची रोल ने सोनी इंडिया को मूवी रिलीज करने की जिम्मेदारी दिया है। और ये मैं बहुत पहले से ही बोल रहा था, 1-2 साल पहले भी मैंने ये काफी वीडियोस में कहा था कि अगले बार से कोई भी मूवी रहा उसकी पिटीशन वगैरह बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं, जो भी मूवी वो रहेगी उसमें खुद इंडिया का ऑफिशियल तरीके से नाम होगा। अब कुछ चीज शायद ऐसी है जो मुझे रिवील करना अलाउड नहीं है। अगर मैं ये भी कहूँ कि नो इट्स हैपनिंग कॉज ये होना ही था, शायद मैं यहाँ पर गलत हूँ। मैं ये सब स्टोरी रिलीज के पहले रिलीज के बाद शेयर करूंगा। जो एकदम डिटेल स्टोरी है वो कि DBS क्रॉनिकल्स से मुझे 3-4 दिन पहले ये शेयर किया कि क्रंची रोल ने सोनी को राइट्स शेयर किए हैं ड्रैगन बॉल सुपर के। देन उसके 2 दिन बाद मैं किसी के पास जाता हूँ और उसे वो आर्टिकल शेयर करता हूँ। देन ये अब कुछ ऐसा हुआ, उसके 2 दिन बाद सुबह मेरे पास किसी का मैसेज रहता है, ओके डन इट्स हैपनिंग, आई होप मुझे पूरा फ्रीडम होता कहने का, बट व्हाट मैटर इज ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी इंडिया में आ रही है। और इसके पीछे कोई सबसे बड़ा रीजन है तो वो है आप लोग, कि आप लोग ने एनीमे को इतना ज्यादा सपोर्ट किया और आप लोग ने पास्ट इवेंट्स को इतना सक्सेसफुल बनाया, जैसे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी। ये एक पब्लिक सेंटीमेंट बन चुका है कि भाई ब्रॉली से ही एक न्यू इरा शुरू हुआ, फिर टेंकी नोको मूवी का आना और साथ में टेंकी नोको के डायरेक्टर का खुद इंडिया में आ जाना। अरे ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि वो मूवी के डायरेक्टर खुद इंडिया में आ जाए। और उस वक्त आए थे वो जब इंडिया में मेरे ख्याल से मूवीज वगैरह का एनीमे का इतना क्रेज नहीं था। फिर इन दोनों की सक्सेस के बाद आती है डेमन स्लेयर की मूवी और इन सभी इवेंट्स का इतना ज्यादा और ह्यूज लेवल पर सक्सेसफुल होना। तो ये सब पास्ट इवेंट्स जितने भी जो हुए हैं इन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन है ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी जो आज आ रही है। और कोई भी ये बात को डिनाय नहीं कर सकता कि इसका पास्ट इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री को कोई बदल नहीं सकता, इतिहास इतिहास है। उस दिन मैं जानता हूँ जब ये न्यूज बाहर निकल आई तो सभी यूट्यूबर्स जो एनिमे को कवर करते हैं सबने स्टोरी डाला था और लिटरली मुझे क्या पता क्यों लेकिन एक अलग सा प्राउड फील हो रहा था कि सबने लाइन से ये शेयर किया था कि ब्रॉली मूवी, टेंकी नोको मूवी, डेमन स्लेयर, PVR लाइव का एनिमे मूवीज को लेके कैंपेन, ऑल पास्ट इवेंट्स का सक्सेसफुल होने का नतीजा है कि ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो इंडिया में आ रही है। और हम शोमिल शाह के बारे में कैसे भूल सकते हैं। देखो एक बात है, यस इट्स हैपनिंग लोगों के सपोर्ट से, लेकिन ये एक बंदा ना बहुत बड़ा रीजन है। जो भी पास्ट में इवेंट सक्सेसफुल हुए तो वो मैनेजमेंट स्किल्स प्लस नॉट ओनली मैनेजमेंट स्किल्स सब हुआ ही बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई विल से, क्योंकि वो उस वक्त PVR लाइव की टीम में था और उस टीम का इंचार्ज था वो और उसको लीड कर रहा था। तो जो भी पास्ट इवेंट्स जो हुए जिसको PVR लाइव ने सक्सेसफुल बनाया तो उसमें शोमिल शाह के मैनेजमेंट का भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लस बाकी के जो इवेंट्स हुए उसमें वकाओ भी शामिल था जिनका नाम वैभव लाल था, जो शोमिल शाह के साथ मिलकर काम कर रहे थे आज से 1-2 साल पहले, डायरेक्टली ये कहूँ तो लॉकडाउन से पहले। इन दोनों ने मिलके शोमिल शाह की टीम एंड वैभव लाल की टीम मतलब PVR लाइव एंड वकाओ ने बहुत ढेर सारी एनीमे मूवीज को इंडिया में लॉन्च किया और उन सब इवेंट्स को सक्सेसफुल बनाने में भी वो कामयाब रहे। तो ये सब जो आज हो रहा है ये सब कोई 1 दिन या 2 दिन का खेल नहीं था, पास्ट में इसके लिए काफी पापड़ बेले गए हैं तब जाके आज ये सब पॉसिबल हो रहा है। एंड नोट, ये कोई तुक्का अजम्पशन नहीं है, ये फैक्ट्स हैं और ये इतिहास को ऑडियंस ने खुद देखा। और एक और फैक्ट है, ड्यू टू ऑल पास्ट इवेंट्स सोनी इंडिया ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी इंडिया में ला रहा है और ड्रैगन बॉल सुपर मूवी जो आ रही है उसके लिए सोनी ने डेटा देखा है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली का, टेंकी नोको का और डेमन स्लेयर का, और इन सभी के स्टैट्स और एनालिसिस देखने के बाद तब जाके ये कंफर्म हुआ कि उन्हें ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो को रिलीज करना है। और ये चीज मैंने खुद अपने सोनी और क्रंची रोल के सोर्स से कंफर्म किया, इंडिया के भी और बाहर की टीम से भी, इंडिया के भी और बाहर की टीम से भी। आई होप आने वाले वक्त में मैं एक डिटेल स्टोरी शेयर करूंगा इस चीज को लेके आपके साथ कि स्टोरी क्या थी, कैसे हुआ जो ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो की मूवी इंडिया में आई। फिलहाल आई एम नॉट अलाउड टू शेयर ईच एंड एवरी डिटेल्स विद यू गाइस। ये मूवी के रिलीज के लिए पास्ट इवेंट्स के प्रेजेंटेशन देने पड़े थे, देन ओनली इट्स हैपनिंग। वो होता है ना कि हम सब ने मिलके बीज बोया और आज उसका फल हम सभी को मिल रहा है। जो भी पहले हुआ हम यूट्यूबर्स लगे रहते थे सपोर्ट
सपोर्ट करो सपोर्ट करो, पेटिशन पेटिशन, ये साइन करो वो साइन करो। ऑडियंस भी बोलती थी कमेंट के नीचे भाई फुल सपोर्ट। और तुम लोग भी जाके किसी भी ऑफिशियल पेज के नीचे लगते थे भाई ये लेके आ वो लेके आ, बाद में तुम लोग को भगाया जाता था भग साले अगले बार से आना मत। आज ये सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आज सारी मूवीज अपने आप आ रही है। तो ये सब जो पास्ट में इवेंट सक्सेसफुल रहे उनका ही फल है जो हमें मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबका ऑडियंस का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, खास करके PVR लाइव का भी कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और प्लस हमें एक ऐसी ऑडियंस मिली जिसने ये सब चीज को मुमकिन बनाया। प्लस सारे यूट्यूबर्स भी जो उस टाइम पे इन्वॉल्व थे सभी का अपने अपने तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। जहां तक बात है ये मूवी इंडिया में कौन से महीने में कौन सी डेट को रिलीज होगी, ये अभी सोनी की तरफ से रिवील नहीं किया गया, ये शायद एक दो हफ्ते के अंदर रिवील हो जाएगा सोनी के ही तरफ से। क्या हो सकता मैं बता दूं? बताऊं अभी? बताओ नहीं रहन दो, क्यों चाहते हो बंदे लोग की नौकरी चले जाए? एंड क्रंची रोल के काफी प्लान्स है फ्यूचर में इंडिया को लेके, कि कैसे इंडिया में एनिमे को लेके पोटेंशियल है। और इंडिया मेरी मानो एक स्टैट्स के हिसाब से थैंक्स टू एनिमे टीएम इंडिया 11th रैंक करता है जहां वन पीस की मांगा को सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो सोचो एनिमे में फिर कौन सी रैंकिंग पर होगा इंडिया जहां सबसे ज्यादा एनिमे कंटेंट को कंज्यूम किया जाता हो, अगर मांगा वर्ल्ड वाइड 11th पर है जबकि मांगा से एनिमे वाली ऑडियंस ज्यादा होती है, जो कि एक सिंपल सा मैथ्स और कैलकुलेशन है। तो एनिमे मेरे ख्याल से 6th या 7th पर आते रहेंगे हम। एनिमे न्यूज की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में क्रंची रोल जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एनिमे को लेके, हाँ हाँ वही जिसने अभी सोनी को राइट्स दिए हैं, इंडिया उनकी लिस्ट में 9th नंबर पर था। ये 2019 की बात है, आज हम 2022 में। आज तुम भी ग्राउंड लेवल पर शायद इस चीज को महसूस करते रहोगे। लेट मी नो अगर तुम आज ग्राउंड लेवल पर इस चीज को देख रहे हो कि एनिमे के फैंस बढ़ चुके हैं काफी। तो एक चीज है कि इंडिया में एनिमे की ऑडियंस बहुत है, तभी सोनी और क्रंची रोल इंटरेस्टेड है इंडिया को लेके। एंड यस मैंने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर किया था जहां मैंने ये साफ कहा था कि मेरी मानो ये बार ड्रैगन बॉल सुपर हीरो इंडिया में सुपर हिट जाने वाली है। ये मैंने कहा क्योंकि सीधी सी बात है मूवी एक बड़े स्केल पे आ रही है। मुझे ऑफिशियल सोर्स से पता लग रहा है कि वो लोग एक मैसिव मार्केटिंग के साथ इंडिया में आ रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी को इंडिया में रिलीज करने के लिए। ऑल्सो सोनी के और भी प्लान्स हैं इंडिया को लेके। नोट व्हेन आई एम सेइंग सोनी तो इसमें क्रंची रोल भी आता है और पास्ट में काफी एनिमे मूवी रिलीज ऑलरेडी हुई थी, लेकिन ये मूवी का एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे टेंकिनो को और ब्रॉली ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था, वैसे ही ये भी मूवी एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आ रही है इंडिया में। ये मूवी ध्यान देना सिर्फ रिलीज होने के मकसद से नहीं आ रही है, मूवी एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आ रही है। अगर इस मूवी के स्टैट्स अच्छे हुए तो ऑब्वियसली क्रंची रोल के पास सारे स्टैट्स जाएंगे, सारे डेटा जाएंगे, ऑडियंस का रिस्पॉन्ड जाएगा। तो ये स्टैट्स का इम्पैक्ट से उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि इंडिया के करंट मार्केट में एनिमे का कितना वैल्यू है, जिसके वजह से फ्यूचर में और भी ऐसी मूवीज आएगी जो इम्पैक्ट क्रिएट करते जाएगी जस्ट लाइक अ साउथ मूवीज। और मुझे खुशी इस बात की तब ज्यादा होगी जब ड्रैगन बॉल नहीं, ड्रैगन बॉल के अलावा कोई और एनिमे मूवी ड्रैगन बॉल से ज्यादा हिट होगी, जिसे मैं एक क्रिएटर के तौर पर खुद को और अपने कंटेंट को और वाइड कर सकूं। एंड शायद आई विल डू धीरे धीरे करके मैंने प्लान किया था बहुत पहले से कि मैं इन फ्यूचर ड्रैगन बॉल से हट के दूसरे एनिमे को भी कवर करूंगा, और एक दो महीने के अंदर मैं ट्राई भी करूंगा। ये मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, सॉरी। एनीवेज देखो कुछ दिन में बहुत कुछ रिवील होगा। ये मूवी एज पर माय अजम्पशन अगस्त या सितंबर में रिलीज हो सकती है इंडिया में, और कहां रिलीज होगी वो सब चीज मैं आपके साथ आने वाले वक्त में शेयर कर दूंगा। मतलब सोचो हम सब फिर से एक बार, क्योंकि अब लॉकडाउन भी नहीं है, एक थिएटर में ड्रैगन बॉल फैंस मूवी देखेंगे, अलग लेवल का मूवमेंट होगा मेरे लिए। और हाँ, पहले मेरा प्लान था कि शायद मैं मीटअप ना करूं ड्यू टू कोविड और अदर रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन ये बार मुझे अगर मौका मिलता तो मीटअप मैं रखूंगा। तो हाँ यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप लोग की क्या उम्मीद है मूवी से, और आप लोग जाओगे या नहीं इसको देखने के लिए। और इसी खुशी में सारे लाइक करो कि इंडिया में ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आप कोई भी मूवी को लेके अपडेट्स मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।